पंजाब से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां पर मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला पर जोरदार फायरिंग हुई है। इस घटना में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है। मानसा की यह घटना है। मानसा के गांव जवाहर के में सिद्धू मूसेवाला और उनके दो साथियों पर 29 मई रविवार की शाम कई राउंड की फायरिंग हुई। तीनों को इसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बांसा के पुलिस अधिकारियों ने सिद्धू मूसेवाला की मौत की पुष्टि भी कर दी है। हैरान करने वाली बात इस बीच ये है कि कल यानी शुक्रवार 28 मई को ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सिक्योरिटी घटाई थी सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला 4 जून 2022 को गुड़गांव में एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने वाले थे। इससे एक दिन पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने तमाम लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी में कमी की थी। इन लोगों में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी था। बताया जाता है कि पहले सिद्धू मूसेवाला के पास करीब 10 गनमैन थे, लेकिन भगवंत मान सरकार ने इनकी संख्या कम कर दी थी। बताया जा रहा है कि काले रंग की गाड़ी में सवार होकर 29 मई की शाम दो लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर इसी साल मानसा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, जिसके बाद वो अपने सिंगिंग करियर को लेकर तो पहले से ही चर्चा में रहते थे, पॉलिटिकली भी एक्टिव थे और चर्चा में थे, लेकिन अब इस घटना ने सबको चौंका दिया है।